हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियोस में हम आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बताए हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में हल्का सा फिर से रिमाइंड करके, यानी रिवाइज करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो करता है, चार्ज मान लीजिए फ्लो करता है, तो इसके फ्लो में जो यहाँ पर रुकावट आती है, ठीक है, यानी ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो चार्ज फ्लो को रजिस्ट करती है, उसको हम लोग रजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्टेंस का सिंबल आर होता है, ठीक है। इसकी अगर एसआई यूनिट लेंगे, एसआई यूनिट तो ओम होती है। ओम का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, ये ओम का सिंबल है, जैसे घोड़े की नाल, उसी तरीके से ओम का सिंबल होता है। ओम साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर ये होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस के आधार पर, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स, डिपेंड्स ये बताए थे कि ये लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये हमने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। रेजिस्टेंस के बाद हम लोग आपको रेजिस्टिविटी बताए। रेजिस्टिविटी में जब हम लोग ये देखें कि रेजिस्टेंस में और लेंथ में क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जैसे ये वायर है, वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल मिला। आर प्रोपोर्शनल टू वन अपान ए, लेंथ ए, एल माने लेंथ ऑफ वायर, ए माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर हम दोनों को मिलाए, आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए आया। प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाए तो आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट आ जाए, आया रो, इसको रो कहते हैं, एल अपान ए। यहाँ पर रो को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब यह रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसकी यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी में? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, एंड टेम्परेचर। और ये डिपेंड किस पर नहीं करती है? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर नहीं डिपेंड करती है। इट डज नॉट depends on L and A, A capital में लिखिए या small में, A माने area, L माने length। अब इसकी SI unit हम लोग निकाले तो SI unit इसकी होती है ohm meter, ओम मीटर होती है, जिसको हम लोग सिंबल में ओम और मीटर ऐसे लिख देते हैं, ओम मीटर।
ठीक है, यहाँ तक हम आपको बताए थे रेजिस्टेंस की डिफिनेशन बताए थे, रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टिविटी की डिफिनेशन में फिर से आप जान लीजिए, यूनिट मीटर लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में प्रेजेंट रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहाँ तक हमने आपको बताया था। अब देखिए, अगर पूछा जाए क्या जितने सबस्टेंस होते हैं सबकी रेजिस्टिविटी सेम होती है, तो आप कहेंगे नहीं, सबकी रेजिस्टिविटी सेम नहीं होती है, कुछ की रेजिस्टिविटी हाई होती है, कुछ की लो होती है, सबकी सेम नहीं होती है। तो हम लोगों ने देखा था जितने मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, रेजिस्टिविटी कहें या रेजिस्टेंस कह दें, लो होती है, ठीक है। जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई माने बहुत ज़्यादा होती है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। और जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एप्रिसिएबल अमाउंट में होता है, कंसिडरेबल अमाउंट में होता है, ठीक है, उसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं। हो सकता है रजिस्टर आपको ना बताए हों, अगर ना बताए हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो हम उसकी डिफिनेशन आपको बताएंगे, ठीक है। फिर भी बता दे रहे हैं कि ऐसे मटेरियल जिसमें कंसिडरेबल अमाउंट में रजिस्टेंस पाया जाता है, रजिस्टिविटी पाई जाती है, उसको हम लोग उसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल और एलॉय। एलॉय आप जानते हैं मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इन्हीं को हम लोग एलॉय कहते हैं। तो मेटल में और एलॉय में हम लोग जानते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स आर लेस देन द एलॉयज, ठीक है। मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है, एलॉय की ज़्यादा होती है। एलॉय को हम लोग रजिस्टर में जनरली हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है। अब ये पूछा जाता है सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है। पूछा जाता है क्यों है, क्योंकि सिल्वर की जो रजिस्टिविटी होती है या रजिस्टेंस होता है सबसे कम होता है, जितने नॉन मेटल हैं उनमें सबसे कम रजिस्टिविटी मेटल की हो सिल्वर की होती है, इसीलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। ड्यू टू इट्स लोवेस्ट सिल्वर बेस्ट कंडक्टर इसलिए माना जाता है। अब देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जब ट्रांसमिशन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करने के लिए कॉपर या एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं, क्यों? देखिए, जब गुड कंडक्टर से हम लोग करंट पास करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है या और रेजिस्टेंस कम होता है। जहाँ पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास भी कर जाती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम Cu एंड Al, Cu माने कॉपर, Al माने एल्युमिनियम, आर
यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू देयर लो एक्टिविटी स्मॉल लॉस ऑफ ठीक है। कॉपर और एल्युमिनियम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है। रेजिस्टिविटी लो होने के कारण जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखिए जितने हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स एलॉय या नाइक्रोम के बनाते हैं, यानी जिसमें हम लोग जैसे हीटर का वायर हो गया। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एलॉयज लाइक नाइक्रोम नॉट ऑफ मेटल्स। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है तो आप कहेंगे वाई, तो आप लिखेंगे इसके दो कारण हैं, क्योंकि जो एलॉय होती है उनकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, रेजिस्टिविटी हाई होगी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे, तो आप लिख सकते हैं नंबर वन में ड्यू टू मोर रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज देन मेटल। एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें आगे हमको लिखना चाहिए, आप लिखिएगा कि जिसके कारण ये है ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और सेकंड इसमें हम लोग लिखेंगे एलॉयज डू नॉट बर्न यानी ऑक्सीडाइज्ड होना। ये हाई टेम्परेचर पर भी जल्दी बर्न नहीं करता है, जिसके कारण हम इसका यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।